तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोबिनर डोबिनर नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डोबिनर नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो एक क्या होता है, तो यह एक टाइप का आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें आपका कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, दिस इज ए टाइप ऑफ दिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक यह एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें इन विच एन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ बेस ट्रीटेड विथ बेस एंड बेंजल डिहाइड। यह एक टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड सपोज दैट। अच्छा, यहाँ पे खास बातें होगी कि जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होगा ना, उस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में कंडीशन होता है कि आपका एक जो देखो एक है आपका मिथाइलिन ग्रुप, इस मिथाइलिन ग्रुप के इस साइड आपका कोई एस्टर ग्रुप होगा। आपका अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कोई एस्टर ग्रुप होगा और राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो मिथाइलिन के लेफ्ट हैंड साइड कोई एस्टर ग्रुप होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के राइट हैंड साइड कोई मिथाइलिन ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड कोई एस्टर ग्रुप होगा और राइट हैंड साइड कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, यह एक टाइप का आपको पता चल गया कि यह एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें आप कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और कंडीशन है कि जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होगा वह एक जो आपका एक ग्रुप है, एक वैलेंसी है मिथाइलिन ग्रुप की, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इस मिथाइलिन ग्रुप में कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच होंगे और एक जो इसकी वैलेंसी होगी वह कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। एक क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो मिथाइलिन की एक वैलेंसी आपकी किससे जुड़ी होगी, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा और जो दूसरा इसकी वैलेंसी होगी वह किसी एस्टर फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा। अब दूसरा कोई जरूरी नहीं कि एस्टर ही हो, लेकिन एक तो फिक्स है कि एक जो इसकी वैलेंसी होगी वह किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एक वैलेंसी फिक्स है कि वह क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर मैं इसे क्या करवाता हूं, इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को मैं बेस और बेस के तौर पे आप ले लो सोडियम इथॉक्साइड। अगर मैं इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को बेस और बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला PHCHO, ठीक है, ये है आपका बेंजल डिहाइड। अगर मैं इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को बेस और बेंजल डिहाइड के साथ ट्रीट करवाऊं तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड, जिसका फार्मूला COOH CH डबल बॉन्ड CH और इधर आपका कोई बेंजीन ग्रुप होगा, आपका कोई बेंजीन होगा और इधर आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो चूंकि यहाँ पे ये जो आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में ये जो आपका इथॉक्साइड आयन है, ये जो आपका क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड क्या है आपका एक बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये जो आपका इथॉक्साइड आयन है
ये इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये आपका इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ए वाला जो है आपका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इथॉक्साइड आयन क्या कर रहा है, इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड देखोगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे रिजोनेंस में भेजेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब यह पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, यह ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से यह जो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा आपका, ताकि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है वह खत्म हो सके, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कारण से यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड आपका पोलर हो गया, इसलिए इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस ये जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ पे, यह हाइड्रोजन आपका इजिली रिमूव हो सकता है, और वैसे भी अगर आप देखोगे क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, क्या है आपका एक ये जो ग्रुप है CO OH, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन होता है वह क्या होता है, SD कैरेक्टर का होता है, और इस कारण से यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है वह प्रोटॉन के रूप में इजिली रिमूव हो सकता है। अब ये जो आपका इथॉक्साइड आयन है यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है यह बेस इस ये बेस क्या करेगा, ये बेस आपका इस हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, और ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे सिचुएशन बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड में आपका एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इस कारण से ऑक्सीजन बॉन्ड इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे, चूंकि ये जो कार्बन है एक कार्बन कैसा है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन है कार्बोनिल कार्बन, या कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रो एक कैसा किस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हुआ यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, इसलिए है इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्रेम करेगा, ताकि कोई इसे इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यहाँ पे जो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वह क्या हो सकता है, आपका न्यूट्रल हो सकता है, इसीलिए यह क्या, चूंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, भूखा है, और यह इलेक्ट्रॉन की कामना करता है, और यहाँ पे चूंकि निगेटिव चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये सेंटर जो है आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये सेंटर क्या करेगा, इसकी सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक कर देगा, जिससे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे CH यहाँ पे आपका या इस कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, एक आपका कार्बन सेंटर अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका PH हो गया, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे,
यहाँ पे होने वाला है कि जो आपका यहाँ पे इथॉक्साइड आयन था, जब इस इथॉक्साइड आयन ने यहाँ पे इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये दोनों मिलकर क्या बना लिए होंगे, आपके इथेनॉल बना लिए होंगे। क्योंकि इथेनॉल में क्या प्रेजेंट है आपका, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वापिस से ये आपका ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ओवरऑल आपका यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो जाएगा इस तरीके से, या ऑक्सीजन जब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए निगेटिव चार्ज, अगर आपका ए जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है यह अगर निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाता है तो क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में भेजेगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और यहाँ से आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल यहाँ से आपका CO2 माइनस CO2 और यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन आपका रिमूव होगा और यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप COET और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था और यहाँ पे PH था, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, अब इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर इसका मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं एसिडिक मीडियम में, ये जो आपका बना है कंपाउंड, इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर होगा एसिड के प्रेजेंस में या यहाँ पे इस एस्टर एस्टर के कार्बन सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे आपका ये जो इथॉक्साइड है यह इथॉक्साइड आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका इथॉक्साइड के रिमूवल होने पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, यानी ये आपका जो एस्टर था यह जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये एस्टर ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे PH, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट और इसी का नाम है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग से आपका कोई बेंजल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इसके ट्रांस पोजिशन पे आपका कोई मिथाइल ग्रुप सिस पोजिशन पे, इसके अपोजिट साइड में कोई आपका मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन इस तरीके से जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है और इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को हम लोग इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं और यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे मैंने लगा इसको, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये चूंकि आपका एक बेस है तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पे आपका ये बेस क्या करेगा यहाँ पे, चूंकि ये आपका जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड अगर देखोगे आप, चलो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे मैं
इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे ड्रा करता। तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रा करूंगा तो हमारा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां से आपका देखोगे अगर आप, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, या हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ पे इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा यह यहाँ पे भी अटैक करेगा। अगर यहाँ से अटैक किया तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और वापिस से जब ये पाई बॉन्ड आपका कंजुगेट करेगा तो यहाँ से आपका इथॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हाल होगा। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे ये जो आपका एस्टर है, इस हाइड्रोक्साइड आयन के अटैक करने से इस सेंटर पर ये जो आपका एस्टर था, ये एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा आपका ये एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एस्टर था हमारा, एस्टर किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अब यहाँ पे चूंकि आपका मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है, तो और भी बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और ये आपका जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, और आपका इस तरीके का एनायन आपका बन के तैयार होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो आपका, चूंकि ये जो निगेटिव चार्ज कार्बन है, ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे कार्बन के ऊपर, यह आपका इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है, और साथ ही साथ इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। अब एक चूंकि यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका होगा। ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, यह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड में आपका यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से आपका कार्बन, और ये ऑक्सीजन, यहाँ जब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COH, यहाँ पे COH। ठीक है, यहाँ तक आपका। अब चूंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, क्या क्या करेगा, इस कार्बो ये जो आपका हाइड्रोजन है, चूंकि ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या है, कनेक्टेड है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और ये आपका जो होल ग्रुप है, यह होल ग्रुप क्या है, आपका एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से आपका ए, चूंकि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, ए आपका हाइड्रोजन एसडी कैरेक्टर का होगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा आपका अटैच, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे रेजोनेंस में आता है इस पाइप इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो ए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, ए आपका CO2 ग्रुप में बाहर निकलेगा, -CO2, और यहाँ से आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे आपका इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH।
यहाँ पे आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका अटैच है, और यहाँ पे आपका मिथाइल है। यहाँ पे आपका मिथाइलिन होगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे परकिन रिएक्शन के बारे में। परकिन रिएक्शन क्या होता है? तो परकिन रिएक्शन एक आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसमें जिसमें आपका जो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का जो इनोलेट होगा, एनहाइड्राइड का जो इनोलेट होगा, वह अपने ही एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल, या कोई अदर कार्बोनिल कंपाउंड, पर अटैक करेगा। ठीक है, ये जो परकिन रिएक्शन है, ये परकिन रिएक्शन में क्या होगा, ये परकिन रिएक्शन आपका एक टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, जिसमें एनहाइड्राइड का, जब एनहाइड्राइड को हम लोग बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो बेस क्या करता है, इसका इनोलेट बनाएगा, और जब ये आपका एनहाइड्राइड का इनोलेट बनेगा, तो वह अपने ही एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल पे या किसी अदर कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका अटैक करेगा। ठीक है, जस्ट लेट अस कंसीडर, आप कोई एनहाइड्राइड चूज करिए, जैसे मैं मान लो कि एनहाइड्राइड के तौर पे एसिटिक एनहाइड्राइड मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हमारा क्या है, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, इस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये मॉलिक्यूल हमारा है। अगर इस एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बेस के साथ में, कोई बेस, अब चूंकि हम बेस को, इसका अगर मुझे इनोलेट बनाना है, तो इसका इनोलेट बनाने के लिए हम लोग किस टाइप का बेस यूज करेंगे, तो हम लोग इसी का, यहाँ पे हम एक ही टाइप का बेस ले सकते हैं, वो कौन सा बेस होगा हमारा, सोडियम एसिटेट। क्यों? क्योंकि अगर एसिटेट मॉलिक्यूल, एसिटेट आयन अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर अगर अटैक भी करता है, तो हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा वह हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो अगर मैं इस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल को सोडियम एसिटेट के साथ ट्रीट करता हूं, और साथ ही साथ अगर मैं इस एसिटिक एनहाइड्राइड को सोडियम एसिटेट के साथ ट्रीट करता हूं, और यहाँ पे मैंने बेंजल डिहाइड लिया हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं इस एसिटिक एनहाइड्राइड को सोडियम एसिटेट के साथ ट्रीट करता हूँ, जिससे हमारा क्या होगा, एक इनोलेट बनेगा, और अगर मैं इस इनोलेट को इस बेंजल डिहाइड के साथ ट्रीट करूं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे, तो आपका जो इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जो हमारा आपका, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से हमारा जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यह यहाँ पे CH3 ग्रुप था, CH3 ग्रुप का मतलब हमारा
इस तरीके से। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो एसीटेट है, यह एसीटेट आयन क्या करेगा, चूंकि यह एसीटेट आयन यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगी यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, अब ये निगेटिव चार्ज क्या करने वाला है यहाँ पे, ये जब इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ये आपका इनोलेट बना है, किसका इनोलेट, तो एस्टिक एनहाइड्राइड का हमारा इनोलेट बना है स्टेप फर्स्ट में। अब मैं इसको, ये जो इनोलेट बना है, अगर इस इनोलेट को मैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के साथ में अगर मैं ट्रीट करता हूं, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब अपना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भेजेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, और यहां से हमारा इस कार्बन, अच्छा इस वाले कार्बन से क्या आपका ए हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे CH2, और इस CH2 से क्या अटैच होगा, ए आपका कार्बन अटैच होगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे आपका PH, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होगा। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अगर मैं बात करूं अगर ये ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज क्या करेगा, चूंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यह ऐसे सेंटर को ढूंढेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो। तो अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे आपका जो ए कार्बन, ये जो आपका कार्बन सेंटर है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन में देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। अभी क्या होगा यहाँ पे, अगर ये ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एस्टर ग्रुप में आपका जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे एक आपका कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग बनाता हूँ, 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन रखता हूँ मान लो, और इस ऑक्सीजन से मैं यहाँ पे कार्बन जो है आपका, इस कार्बन को जोड़ देता हूँ, ये मान लो 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 6 नंबर पे आपका कार्बन है, और इस कार्बन से आपका ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा, और इस 6 नंबर कार्बन से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 1 A6 हो गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हाई पोजीशन पे क्या है आपका, ऑक्सीजन अटैच है, चलो जोड़ दिया। 4 पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तीसरे पे आपका CH2 ग्रुप है यहाँ पे, और जो दूसरा है, दूसरे कार्बन पर आपका PH ग्रुप अटैच है, और एक हाइड्रोजन आपका अटैच, इस तरीके से।
मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, ए निगेटिव चार्ज जब आपका यहाँ पे कंजुगेट करेगा, जब ए निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे कंजुगेट करेगा, जब यह ऑक्सीजन जिस पे निगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कंजुगेशन में भेजेगा, तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होकर के कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप, यहाँ से ऑक्सीजन है आपका अटैच, यहाँ पे आपका PH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका जो एसीटेट आयन, सोडियम जो एसीटेट था, इस सोडियम एसीटेट में क्योंकि आपने क्या किया था, बेस के साथ ट्रीट करवाया था, तो बेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो एक मॉलिक्यूल ने तो क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, बाकी आपका रिएक्शन आगे रन किया, और यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा बेस का, वह इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ए सिग्मा बॉन्ड आपका, अगर ए एसीटेट आयन इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो ए सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, और अगर इधर शिफ्ट होगा तो ए आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपका क्या डेवलप होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक आपका डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे आपका PH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका कार्बन, और कार्बन से आपका एसीटेट आयन आपका इस तरीके से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से आपका एसीटेट आयन आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, दिस ए हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम आयन है, यह सोडियम आयन क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन से आपका आयनिक इंट्रेक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ होगा और स्टेबलाइज होगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट।